आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह, आपके समक्ष झारखंड के 24 जिलों की खबरों के साथ। फटाफट सुनिए, अभी बारी है आजाद सिपाही राजधानी एक्सप्रेस की पहली खबर। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले रिम्स के डॉक्टरों की संपत्ति की जांच एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संघ बैठक में दिया निर्देश। रिम्स की कार्यशैली पर सीएम नाराज। व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश, कहा मरीजों को न हो परेशानी। दूसरी खबर, हेमंत ने सीएनटी का उल्लंघन कर खरीदी सोहराय भवन की जमीन। रांची डीसी को कार्रवाई का आदेश। झामुमो बोला भाजपा नेताओं पर भी हो कार्रवाई। तीसरी खबर, मॉब लिंचिंग के विरोध में राजधानी में कई संगठनों ने राजभवन के पास दिया धरना। तबरेज हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। चौथी खबर, राजधानी के सिंडिकेट बैंक के लॉकर से 20 लाख के गहने गायब। 31 वर्ष पूर्व अपर बाजार के दो भाइयों ने रखे थे जेवर। पांचवी खबर, रांची के धुरवा स्थित सुधा डेयरी फैक्ट्री में ब्लास्ट, दो मजदूर घायल। रिम्स में चल रहा घायलों का इलाज। अब बारी है आजाद सिपाही खूंटी एक्सप्रेस की पहली खबर। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने नगर भवन में किया सखी मंडलों की दीदियों और किसानों के साथ सीधा संवाद। समस्याओं से हुए रूबरू। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, अपर सचिव यतीन्द्र प्रसाद, जोहार के परियोजना निदेशक विपिन बिहारी, खूंटी उपायुक्त सूरज कुमार, डीडीसी अंजलि यादव, 20 सूत्री उपाध्यक्ष ओपी कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ महतो थे उपस्थित। दूसरी खबर, नीलकंठ सिंह मुंडा ने बाबा अमरेश्वर धाम मंदिर में ऑनलाइन डोनेशन भुगतान का किया उद्घाटन। श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तीसरी खबर, पत्थलगड़ी समर्थकों ने किसानों को भड़काया, अफसरों को कागज दिए तो जमीन गायब, डर कर किसान नहीं ले रहे सरकार से पैसा। चौथी खबर, आज कई गांवों में मनाई जाएगी खैर परंपरागत पत्थलगड़ी की वर्षगांठ। तैयारी में जुटे ग्रामीण, प्रशासन भी अलर्ट, गांव पर रखी जा रही नजर, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अब बारी है आजाद सिपाही लोहरदगा एक्सप्रेस की पहली खबर। लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने कचहरी रोड स्थित हिंडालको कार्यालय के समक्ष दिया धरना। 1200 बॉक्साइट ट्रक पिछले 6 महीने से खड़े हैं। दूसरी खबर, लोहरदगा में मंचलों की हरकतें बढ़ी, स्कूल कॉलेज आने जाने वाली छात्राएं परेशान। शिक्षण संस्थानों के आसपास अवांछित तत्वों का जमावड़ा। महिला थाना पुलिस गश्ती पर नहीं निकलती क्योंकि गाड़ी खराब है। तीसरी खबर, हाईवा की चपेट में आने से टीवीएस लूना सवार व्यक्ति की मौके पर मौत। सेन्हा थाना क्षेत्र की बरही नदी के समीप हुई दुर्घटना, हाईवा गाड़ी चालक गाड़ी छोड़ हुआ फरार। चौथी खबर, कांग्रेस कमेटी ने मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में डीसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में कमल प्रसाद केशरी, साजिद अहमद, अनिल कुमार, मोहन दुबे, कुणाल अभिषेक, शनिचरवा उराव, शरुदत्त हुसैन, तारिक खान शामिल थे। अब आ रही है आजाद सिपाही सिमडेगा एक्सप्रेस की पहली खबर। ठिठई टांगर के ग्रामीण पानी संकट से परेशान, उपायुक्त को सुनाई व्यथा, जल समाधान की जगी उम्मीद। दूसरी खबर, नगर अपना नामक एनजीओ ने जिला के ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश और वज्रपात के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने का चलाया अभियान। तीसरी खबर, बानो में मैट्रिक परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। जनता उच्च विद्यालय जीतू टोली में हुआ समारोह का आयोजन। अब आ रही है आजाद सिपाही पश्चिमी सिंहभूम की पहली खबर। जिला में 1 जुलाई से ज्ञान सेतु योजना का बूस्टर फेज होगा शुरू। अनुश्रवण शिक्षकों की बैठक में लिया गया फैसला। दूसरी खबर, चाईबासा चक्रधरपुर में बिजली का संकट होगा खत्म, अक्टूबर तक मिलेगी निर्बाध बिजली, एमडी राहुल परवार ने दी जानकारी। तीसरी खबर, बड़बिल रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाइक बरामद। अब बारी है आजाद सिपाही जमशेदपुर एक्सप्रेस की पहली खबर।
जमशेदपुर के चाकुलिया थाना में पदस्थापित एएसआई याकूब आइंद का शव थाने के पिछले खाली क्वार्टर के बरामदे में फंदे से झूलता मिला। याकूब खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के ईचा गोहर टोली के रहने वाले थे। दूसरी खबर, कोलकाता से जमशेदपुर आ रहे एक ही परिवार के दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत। पश्चिम बंगाल के लोधासोली जंगल के पास कार और ट्रक में जोरदार टक्कर में दो की मौत हो गई, जबकि छह युवक घायल हुए हैं। तीसरी खबर, जमशेदपुर के कमलपुर थाना से महज 1 किलोमीटर दूर बांगू रदा साहिब बांध से पुलिस को शादीशुदा महिला की लाश मिली। अपारी है आजाद सिपाही सरायकेला खरसावां एक्सप्रेस की पहली खबर। मॉब लिंचिंग के आरोपियों के गांव पहुंचे दर्जन भर लोगों ने की मारपीट, महिलाओं को दी दुष्कर्म की धमकी, गांव के पुरुष फरार, महिलाएं और बच्चे दहशत में। दूसरी खबर, मॉब लिंचिंग मामले में डीआईजी बोले, तबरेज की मौत मामले में सरायकेला पुलिस दोषी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अबारी है आजाद सिपाही लातेहार एक्सप्रेस की पहली खबर। मनिका के एक गांव में भीड़ ने पीट पीट कर वृद्धा को मार डाला। भीड़ को शक था कि उसने तंत्र मंत्र कर गांव की दो महिलाओं की जान ले ली है। अबारी है आजाद सिपाही पलामू एक्सप्रेस की पहली खबर। पलामू के रूदी डीह डैम के बगल में स्थित तालाब से 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद। शव की पहचान रूदी डीह निवासी असगर अंसारी के पौत्र जावेद अंसारी के रूप में हुई। दूसरी खबर, पलामू में उत्पाद विभाग की टीम ने बेलवाटी का चौक भुसही में शराब के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। 140 किलो चावा महुआ और 35 लीटर शराब बरामद। तीसरी खबर, एनपीवीवी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, उदय राम। चौथी खबर, भाजपा की बैठक 28 जून को स्थानीय परिसदन में, विधानसभावार होगी समीक्षा, इसमें पलामू के सभी विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग समीक्षा की जाएगी। पांचवी खबर, एसडीओ ने की शौचालयों के उपयोगिता की समीक्षा, 30 जून तक हर हाल में जमा करें 100% उपयोगिता प्रमाण पत्र, एसडीओ। छठी खबर, राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री रामचंद्र सहिस 7 जुलाई को आएंगे पलामू। सातवीं खबर, पलामू के डीईओ सुनील कुमार के खिलाफ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की पलामू जिला इकाई का धरना प्रदर्शन, तीसरे दिन भी जारी। आठवीं खबर, जनता दरबार में मेयर ने सुनी समस्याएं, दिए समाधान के निर्देश। जनता दरबार में 51 लोगों ने सुनाई अपनी अपनी समस्या। अपारी है आजाद सिपाही कड़वा एक्सप्रेस की पहली खबर। पलामू सांसद बीडी राम ने लोकसभा में सब मिशन के तहत भवनाथपुर पावर प्लांट एवं NH-75 पर 4-लेन कार्य प्रारंभ करने का मामला उठाया। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की टीम ने किया जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। तीसरी खबर, उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जनता दरबार का आयोजन कर जरूरतमंदों की फरियाद सुनी। चौथी खबर, नगर परिषद गढ़वा बोर्ड की बैठक में वित्तीय सत्र 2019-20 के लिए 54,36,27,833 रुपए का बजट सर्वसम्मति से। अबारी है आजाद सिपाही रामगढ़ एक्सप्रेस की पहली खबर। हिंदू समाज पार्टी ने मॉब लिंचिंग पर तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा मॉब लिंचिंग के मामले में हो रहा भेदभाव। दूसरी खबर, आनंद साईं दरबार का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न, जागरण एवं भंडारा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अबारी है आजाद सिपाही हजारीबाग एक्सप्रेस की पहली खबर। हजारीबाग में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में DDC से ग्रामीणों ने किए कई सवाल। दूसरी खबर, हजारीबाग में DVC के डॉक्टर IK सिन्हा को गृह मंत्रालय ने किया राजभाषा का राजदूत नियुक्त। डॉक्टर सिन्हा ने सभी कार्यों का निष्पादन हिंदी में किया था, मिला पुरस्कार। तीसरी खबर, विष्णुगढ़ में नाबालिग के दो अपहर्ताओं को पॉस्को एक्ट के तहत भेजा गया जेल। दर्ज मामले का अपहर्ता अलगडीहा गांव के कुलदीप मंडल और मुकेश मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया है। चौथी खबर, बड़गा गांव में NTPC बंकरी परवाडीह कोल माइंस के डंप कोयला में लगी आग। आग लगने से NTPC को करोड़ों रुपए का नुकसान। अपारी है आजाद सिपाही कोडरमा एक्सप्रेस की पहली खबर। मांगों को लेकर अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने की सांकेतिक हड़ताल। झारखंड अनुबंध ANM
जीएनएम महासंघ रांची के आह्वान पर नियमितीकरण को लेकर बुधवार को हुई सांकेतिक हड़ताल। दूसरी खबर, सुरेश कुमार बने कोडरमा राजद के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने सौंपा नियुक्ति पत्र। तीसरी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्ष होने के अवसर पर नगर पंचायत कोडरमा में बुधवार को 15 लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया। आवासों को फूल एवं रंगोली आदि से सजाया गया था। पांचवी खबर, जयनगर प्रखंड के डंडाडीह में विधायक जानकी प्रसाद यादव ने खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। 1,06,00,000 से इसका निर्माण होना है। छठी खबर, मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रमुख कार्यालय में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक में पेयजल संकट का मामला उठा। सदस्यों ने कहा कि चापाकल खराब है, तो वहीं जल मीनार से की जाने वाली पानी की सप्लाई बिना फिल्टर की जा रही है। अब बारी है आजाद सिपाही गिरिडीह एक्सप्रेस की पहली खबर। गिरिडीह के नवडीहा ओपी क्षेत्र के शहरपुरा में स्कूली बच्चों से भरी स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त। वाहन चालक के अलावा 9 स्कूली बच्चे घायल। घायल बच्चों का इलाज जमुआ के नर्सिंग होम में और चालक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दूसरी खबर, पीर टाड़ के बीमार नक्सली रमेश मुर्मू की दिल्ली में मौत। कैंसर से पीड़ित था, एम्स में उसका इलाज चल रहा था। तीसरी खबर, बिरनी की पलिया पंचायत की मुखिया बसंती देवी पर प्राथमिकी, लेकिन वित्तीय अधिकार अब तक जब्त नहीं होने से लोगों में आक्रोश। अब बारी है आजाद सिपाही धनबाद एक्सप्रेस की पहली खबर। पूर्वांचल के बाहुबली विनीत सिंह की एंट्री से कोयलांचल में हलचल। भाजपा नेता की एंट्री से धनबाद के बाहुबलियों के कान खड़के। कोयला मंडियों में बढ़ी हलचल। दूसरी खबर, विधायक संजीव सिंह के चाचा रामाधीर सिंह को झटका, जमानत याचिका रद्द, अभी रहना पड़ेगा जेल में। अपारी है आजाद सिपाही बोकारो एक्सप्रेस की पहली खबर। बोकारो कर्मचारी पंचायत के कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन। जेपी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का लिया निर्देश। दूसरी खबर, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में पुरस्कार वितरण समारोह, छात्रों को किया गया सम्मानित। अपारी है आजाद सिपाही देवघर एक्सप्रेस की पहली खबर। देवघर के पवित्र शिव गंगा के पास स्थित शयनशाला को ध्वस्त करने का फैसला। वहां नया भवन का डीपीआर तैयार, नगर आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने दी जानकारी। दूसरी खबर, देवघर में बालिकाओं की शतरंज प्रतियोगिता शुरू, इसमें 6 राज्यों की टीम भाग ले रही है। विजेताओं को 1,00,000 रुपए नकद और चांदी का स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। फाइनल 29 जून को होगा। तीसरी खबर, देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी के लिए गुरुवार को जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई है। इसमें नगर निगम के पार्षद और अन्य प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया गया है। अपारी है आजाद सिपाही जामताड़ा एक्सप्रेस की पहली खबर। जामताड़ा में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में राजा शेख को 10 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना। दूसरी खबर, नारायणपुर बाजार के फुटपाथ से दुकानदारों को हटाया गया, प्रशासन ने उन्हें बिना अनुमति के दुकान नहीं लगाने की चेतावनी दी है। तीसरी खबर, नारायणपुर प्रखंड के हर एक गांव में घर घर जाकर टीबी रोगियों की पहचान की जाएगी। ये फैसला समेकित रोगी खोज अभियान के टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। अब आ रही है आजाद सिपाही गोड्डा एक्सप्रेस की पहली खबर। गोड्डा में बिहार के 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस को देख कर अपराधियों ने फायरिंग भी की, जवाब में पुलिस ने भी गोलियां तागी। दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली चली, बाद में पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। दूसरी खबर, गोड्डा के पारा शिक्षकों को 4 माह से मानदेय भुगतान नहीं, भुखमरी की स्थिति, इस माह भुगतान नहीं हुआ तो होगा घेराव। तीसरी खबर, नाबार्ड की कार्यशाला में किसानों को मिली उत्पादन में वृद्धि की जानकारी। 5 कृषक उत्पाद संगठन के निदेशकों ने किसानों को दिए टिप्स। अबारी है आजाद सिपाही साहिबगंज एक्सप्रेस की पहली खबर। उपायुक्त संदीप सिंह ने मल्टी मॉडल बंदरगाह के विस्थापितों का भवन जल्दी बनाने का निर्देश दिया, कुल 25 परिवार हुए विस्थापित। दूसरी खबर, राधानगर के फुटपाथ से हटाए गए दुकानदार, प्रशासन ने दोबारा बिना अनुमति दुकान नहीं लगाने की दी चेतावनी। तीसरी खबर, राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में तंगी से परेशान महिला कौशल्या देवी ने किया आत्मदाह का प्रयास, आशंक रूप से चली।
अबारी है आजाद सिपाही पाकुड़ एक्सप्रेस की पहली खबर। पाकुड़ में नव चयनित होम गार्डों ने डीसी आवास का किया घेराव, प्रशिक्षण में हो रही देरी से हैं नाराज। दूसरी खबर, पाकुड़ में जलापूर्ति योजना की सुस्त रफ्तार पर जिला परिषद बोर्ड ने जताई नाराजगी, लोगों के आक्रोश भड़कने की दी चेतावनी। तीसरी खबर, आमड़ा पाड़ा में वन विभाग की टीम ने एक मैजिक में लदा 24 बोरा केंदू पत्ता जब्त किया, ड्राइवर और खलासी फरार। अबारी है आजाद सिपाही दुमका एक्सप्रेस की पहली खबर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान वासुकीनाथ मंदिर में चढ़ावे के लिए कहला कुंड गांव में लगाए जाएंगे सैकड़ों बेल के पौधे, प्रशासन ने लिया फैसला। दूसरी खबर, कांठी कुंड थाना क्षेत्र के कालाछर गांव में मारपीट, बछड़ा चराने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस तैनात। तीसरी खबर, शिकारीपाड़ा में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया अभियान, 9 वाहन जब्त। अबारी है आजाद सिपाही कुमला एक्सप्रेस की पहली खबर। कुमला में बारात से लौट रही पिकअप वैन पलटी, 2 लोगों की मौत, डीजे की थी वैन। दूसरी खबर, डुमरी के बीरी में सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने और जमीन का विवाद सुलझाने के लिए सीएम को दिया ज्ञापन, मिला कार्रवाई का आश्वासन। तीसरी खबर, गुमला में राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों पर प्रशासन की नजर टेढ़ी, बाजार दर से होगी कीमत की वसूली। अबारी है आजाद सिपाही चतरा एक्सप्रेस की पहली खबर। इटखोरी के चट्टी मोहल्ले में पेड़ की डाली गिरने से युवक की मौत, इलाके में मातम। दूसरी खबर, व्यवहार न्यायालय में 3 दिवसीय मध्यस्थता शिविर संपन्न, 12 मामले निपटाए गए। तीसरी खबर, राज्य में पत्रकारों के लिए पेंशन और कल्याण योजना जल्द होगी शुरू, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक डॉक्टर राम लखन प्रसाद गुप्ता ने दी जानकारी। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।